पोल्स में और जहां पोल नहीं है उसमें फर्क क्या है? ये पोल में क्या स्पेशलिटी है कि वो अट्रैक्ट करता है और जहां पोल नहीं है वहां अट्रैक्ट नहीं करता है? ये पोल होते क्या है? हाँ, तो लेट अस सी कि वो जो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वहाँ क्या स्पेशल है कि वहीं से निकलती हैं और दूसरी जगह से नहीं निकलती हैं? क्यों, क्या है वहाँ पर, क्या है वहाँ पर? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मटेरियल. आप शुरुआत करो, एक आयरन का रॉड ले लो, बिना मैग्नेटाइज किया हुआ एक आयरन का रॉड ले लो. ठीक, तो मान लो आपने एक आयरन का रॉड ले लिया और उस कुछ भी मैग्नेटाइजेशन वगैरह कहीं कुछ नहीं है, इसमें क्या है? आयरन है, आयरन में के एटम्स हैं, हर एक एटम में क्या है? न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है. न्यूक्लियस जो है वो भीतर में छोटा सा टाइनी सा नन्ना सा बैठा है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर उधर घूम रहे हैं उसके चारों बगल, यही है ना. और ऐसे ऐसे ढेर सारे एटम्स मिलकर के ये बना है. इसके सारे एटम्स एक जैसे हैं या कोई कोई एटम जरा स्पेशल है? सभी एक जैसे हैं ना, सभी एक जैसे हैं. जो सरफेस पर बैठा है वो भी एक जैसा है, जो बीच में है वो भी एक जैसा है, किनारे पर है वो भी एक जैसा है. अब आपने क्या किया, आपने एक मैग्नेट लाया और ला के उसको यहाँ सटाया या नहीं भी सटाया और उस मैग्नेट को आप इधर से उधर ऐसे घुमा दिए, क्या आपने इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के अलावा कोई चौथी चीज डाल दी? क्या आपने इन एटम्स का मिला मिला के कोई डाया एटॉमिक ट्राया एटॉमिक कुछ नया स्ट्रक्चर बना दिया? इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने ही हैं. पोल्स कहाँ से आ गए? ओरिएंट हो गए हैं. जो यहाँ वाला एटम है वो उसका ओरिएंटेशन, जो बीच वाला एटम है उसका ओरिएंटेशन, जो यहाँ वाला एटम है उसका ओरिएंटेशन एक तरह से ओरिएंट हो रहा है या अलग अलग किस्म से ओरिएंट हो रहा है? तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल में फर्क क्या रहा? मैं कह रहा हूँ यहाँ नलीफाई करने की प्रश्न ही कहा है. यहाँ तो आपका फेस था और यहाँ तो आपका बैक था, दो अलग अलग किस्म की चीजें थी. लेकिन एटम को जब मैं देख रहा हूँ, एक न्यूक्लियस है उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक कोई प्लेन होगा घूमने का, भीतर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक इधर से घूम के एक उधर से घूम के अपने को नलीफाई वगैरह कर लेंगे, अंत में शायद लास्ट में आपके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको केवल आपको देखना होगा, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. जस्ट दिस होल थिंग इज इक्विवेलेंट टू कि एक चार्ज है जो कि एक पाथ के ऊपर घूम रहा है. ईच एटम इज इक्विवेलेंट टू दैट. अंत में आपका शुरू अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सब कैंसिल वैंसिल होने के बाद 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक ऐसा घूमता है वैसा घूमता है, ठीक है, वो सबका कोई असर नहीं पड़ेगा मैग्नेटिज्म के ऊपर. अंत में आपको लास्ट में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल बच जाएंगे. एंड दिस होल एटम इज इक्विवेलेंट टू ए करेंट लूप, राइट? और जैसा ये एटम है वैसा ये एटम है. ओरिएंट करने का मतलब है कि अब ये सारे जो करेंट्स हैं, इक्विवेलेंट करेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच एटम्स, वो सारे करेंट पैरेलल हो गए हैं. और आपकी तरफ से देखने पे अगर ये क्लॉकवाइज है तो उस हरेक कोई क्लॉकवाइज हो गया है, राइट? तो आप कहते हो ओरिएंट हो गया, ठीक है. अब हम बताओ जो यहाँ का एटम है, इस साइड वाला जो एटम है और इस साइड वाला एटम है, आइडेंटिकल है कि नहीं? इस एटम ने भी ऐसा ओरिएंटेशन ले लिया है, इस एटम ने भी ऐसा ओरिएंटेशन ले लिया है, तो ये क्या दो अलग अलग किस्म की चीज़ें हुई या एक ही तरह की चीज़ें हुई? तो नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं, साउथ पोल जिसको कहते हैं, वो एक ही तरह की चीज़ हुई या अलग अलग किस्म की चीज़ हुई? व्हाट इज, ये तो आपकी समस्या है. आप इधर से देख रहे थे, उठ करके आप उधर चले गए,
इसकी क्या समस्या है भाई? इसलिए कि आपके बैक तो हमें अलग दिख रहा था ना, आपका फेस अलग दिख रहा था. यहाँ यहाँ एक सिंगल लूप है, केवल यहाँ एक सिंगल लूप है. आपके तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके अनुसार हो ना भैया. आप इधर खड़े हो तो वही चीज नॉर्थ पोल है, आप उधर खड़े हो गए तो वही चीज साउथ पोल है. तो उस पोल की अपनी कोई विशेषता नहीं है कि वो अलग किस्म का है ना. ऐसा नहीं है कि साउथ पोल अलग चीज है, नॉर्थ पोल अलग चीज है. वो ये आप कह रहे हो कि क्लॉकवाइज होता है तो साउथ एंटी क्लॉकवाइज. अरे ये आपकी समस्या है ना, आप कहां से देख रहे हो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो अपना लूप है. और आप इधर से देखोगे कह रहे अच्छा नॉर्थ पोल है ये, और वो आपके साथी उधर से देख रहे हैं कहेंगे नहीं 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 एंटी क्लॉकवाइज है, ये साउथ पोल है. एक ही चीज को एक आदमी नॉर्थ पोल कह रहा है, दूसरा आदमी साउथ पोल कह रहा है. तो क्या साउथ पोल और नॉर्थ पोल में कोई फर्क बचा? इट्स योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. उसी चीज को जो एक आदमी नॉर्थ कह रहा है, एक आदमी साउथ कह रहा है. और अगर आप मटेरियल को देख रहे हैं कि वेदर द एनीथिंग दैट इज हियर, एनीथिंग दैट इज हियर, उसमें कोई समान कोई असमानता है क्या, तो आप पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसे इस एटम को ओरिएंट किया गया वैसे ही इस एटम को ओरिएंट किया गया, वैसे ही इस एटम को भी ओरिएंट किया गया. ये सारे एटम्स एक जैसे ओरिएंटेड है. हाउ डू आई से कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो अलग अलग किस्म के पोल होते हैं? देखो जब आवेश होता है, चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, वो चार्जेस ही अलग अलग किस्म के होते हैं. आप यहां से देखो, वहां से देखो, वहां से देखो, कहीं से भी देखो, तब हम कहते हैं भाई चार्जेस अलग अलग टाइप के हैं. ये मेरा समस्या नहीं है कि मैं कहां से देख रहा हूं. मैं यहां से देखूंगा तो वही चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और मैं वहां से देखूंगा तो वही चार्ज नेगेटिव हो जाएगा. अगर ऐसा कुछ होता तो हम कहते हैं भैया ये चार्ज में गड़बड़ नहीं है, चार्ज एक ही है, तुम में तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कहां से देख रहे हो. बट मैग्नेट में वही हो रहा है. और ये कौन सा होता है? ये मैग्नेटिक चार्ज होता है. कैसा होता है भैया मैग्नेटिक चार्ज? तुम्हारे पास तीन प्रकार के कण है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है. ओके, किस पर है मैग्नेटिक चार्ज? या कोई चौथा कण है मैग्नेटिक चार्ज वाला? मैग्नेट है क्या? वो तो लोहा है, केवल इसको मैंने रगड़ा है, और रगड़ा भी बड़े जोरदार ढंग से नहीं है, सटाने की जरूरत नहीं है, आपने देखा था. देखो ये जो कंपास है इसका रेड साइड किधर है? रेड साइड इधर है ना. ओके सही है. अब देखो इसका रेड साइड कहां चला गया? उल्टा हो गया. पहले किधर दिखा रहा था रेड, और अब किधर दिखा रहा है? उल्टा हो गया. देखा आपने? देखो अभी रेड किधर है? तुम्हारी तरफ है, इस तरफ है. अच्छा अब देखो, अब हमने इस मैग्नेट को यहां घुमा दिया, रेड किधर चला गया? तो इस निडिल का मैग्नेटाइजेशन मैंने इस चुंबक से रगड़ के पलट दिया, फिर से दोबारा अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया. लेकिन यहां तो शीशा लगा है ना, ये तो शीशा लगा है ना ऊपर, तो मैंने मैग्नेट से उसको छुआ क्या? तो एक बार सिर्फ घुमाने से इसके ऑर्डर का जो डायरेक्शन था वो मैंने पूरा का पूरा पलट दिया. ओके और जबकि इसके ऊपर शीशा लगा है, ध्यान रखना, मैंने रगड़ा नहीं है उस कंपास को, मैंने अपने मैग्नेट से रगड़ा नहीं है, उसके ऊपर शीशा लगा है, ऊपर से घुमाया है उसको केवल. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हम मैग्नेटाइज करते हैं लोहे के पीस को, जब हम मैग्नेटाइज करते हैं
सो कॉल्ड रगड़ करके, तो उस प्रक्रिया के अंदर हम उसके किसी कण को बदलते नहीं हैं, कोई नया कण उसके अंदर में हम डालते नहीं हैं, केवल उनका जो ओरिएंटेशन है, उनके जो करंट का प्लेन है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके घूमने का जो प्लेन है, वो प्लेन केवल पलटता है, प्लेन केवल घूमता है। तो कोई चौथे किस्म का कण मैं नहीं डाल रहा हूँ उसके अंदर में। तो मैग्नेटिक पोल नाम का कोई नया चीज उसके अंदर में प्रोड्यूस हो रहा है, ये गलत बात है। वो वही एटम्स हैं, वो वही न्यूक्लियस है, वो वही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही न्यूट्रॉन्स हैं, वही प्रोटॉन्स हैं, केवल उनका प्लेन जो ऐसे घूम रहा था तो ऐसे हो गया, कोई ऐसे घूम रहा था वो भी ऐसे हो गया, सबके सब पैरेलल हो गए हैं। इतना ही क्या है, हमने इतना ही, कुछ नया चीज नहीं डाले हैं। उसके कारण से वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेट हमने रखा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, उसने उसके ऊपर टॉर्क लगाया है करंट के ऊपर, और टॉर्क लगा के उसको घुमा दिया है, और घुमा देने से वो सब जो है वो हर एक एटम जो है वो ओरिएंट हो गया है। हाँ, तो एक डायरेक्शन में सर अगर अलाइन हो गया है तो एक डायरेक्शन में अलग इफेक्ट होगा, और सर जो अपोजिट डायरेक्शन में अलग इफेक्ट होगा, तो जब जो इस फिनोमेनन को आप अपोजिट पोल बताओ, हमें ये बताओ कि जो नॉर्थ पोल, जो जिसको तुम नॉर्थ पोल कहते हो वहाँ जो एटम्स हैं, और जिसको तुम साउथ पोल कहते हो वहाँ जो एटम्स हैं, उनमें उनके ओरिएंटेशन में, डायरेक्शन में, किसी चीज़ में कोई फर्क है क्या? किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं है ना। तो जो जिसको आप नॉर्थ पोल कहते हो, जिसको साउथ पोल कहते हो, एक ही जैसा है ना, आइडेंटिकल है ना, डायरेक्शन में भी, प्लेन में भी, हर चीज में, इन ऑल रेस्पेक्ट्स आइडेंटिकल है ना। सो द टू पोल्स आर नॉट ऑफ डिफरेंट काइंड, दे आर ऑफ सेम काइंड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही चीज होती है, कोई उसमें फर्क नहीं होता है। ठीक है, सही है, ओके चलो। तो दिस इज द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव। लेकिन जो इसका फेस है, इसका जो फेस है, इसके फेस पे बहुत सारे एटम्स हैं। अभी हमने दो लाइन बनाई थी ना, तो इसके फेस पे बहुत सारे एटम्स हैं, और हर एक एटम जो है वो उस ओरिएंट होने के बाद एक करंट लूप के इक्विवेलेंट हो गया। छोटा 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 अरबों यहाँ पर एटम्स हैं, यहाँ भी अरबों एटम्स हैं, दूसरे वाले पोल पर भी अरबों एटम्स हैं। अब थोड़ा आप एक्टिविटी एक करेंगे क्या? आपके पास पेंसिल है? पेंसिल है? पेंसिल नहीं है, इरेजर है? नहीं है, पेंसिल ही नहीं है तो इरेजर काहे को होगी। अच्छा चलो, तब भी आप ये करो, एक अपने एक कागज खोल लो। हर एक आयरन एटम जो है मैग्नेट के अंदर, उसका जो करंट लूप है वो स्क्वायर लूप है, राइट? जो मैसेज मैं देना चाहूँगा वो पहुँच जाएगा, स्क्वायर सर्किल के बजाय आप स्क्वायर भी लोगे तो भी पहुँच जाएगा, आपकी ड्राइंग में आसानी होगी। सो सपोज दिस करस्पॉन्ड्स टू, ये एक स्क्वायर है, एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू वन एटम, ये एक एटम को बता रहे हैं, एंड द करंट इज गोइंग लाइक दिस। राइट, अब एक बड़ा फेस बना, ये मेरे मैग्नेट का फेस है, ये स्क्वायर, स्क्वायर बना लो, ओके ड्रॉ कर लो, और इसके अंदर में ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स को फिट करो। इतना बना, बड़ा बना लीजिए आप, कि मान लो इसको मैं चार भाग में बांट लूं, और फिर दूसरे चार भाग में बांट लूं, ऐसा बनाइए आप। और ये एक एक एटम है, ये 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 सब एक एक एटम है। होने को अरबों हैं वहां पर, लेकिन आप इतने ही बनाइए, और हर एक एटम को आप ओरिएंट कर दीजिए, सब में करंट बहा दीजिए एक ही तरह का, क्लॉकवाइज। हर एक एटम में ऐसे ही आप चार लाइन डालिए एरोज, और करंट की दिशा दिखाइए हर एक एटम में। बीच वाले एटम्स में सर, बीच वाले लाइन से मतलब
जिस लाइंस के ऊपर दोनों एरोज हैं, दोनों प्रकार के एरोज हैं, अपोजिट डायरेक्शन के एरोज हैं, जिस लाइन के ऊपर वहां का करंट जीरो हो गया, उनको आप सोचिए, आप पेंसिल से अगर काम कर रहे होते तो हम कहते हैं कि उसको इरेज कर दीजिए, उसके बाद जो बच गया उसको बगल में आप ड्रॉ करिए। जो जिन लाइंस के ऊपर एरोज हैं इन अपोजिट डायरेक्शंस, वो करंट जीरो हो गया उसको आप भूल जाइए, और जिन लाइंस के ऊपर एक ही तरफ एरो है केवल उन्हीं को आप लेते हुए सेपरेट ड्राइंग बनाइए और बताइए कि अब क्या हुआ। कर लिया? कैसा हुआ? एक बड़ा ब्लॉक बन गया और उसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना। तो ये हमने अभी 16 बनाए थे, 16 नहीं बना करके आप 16 लाख बना लो, 16 अरब बना लो, चाहे जितने बना लो, बीच वाले सारे के सारे कैंसिल होने वाले हैं, किनारे किनारे वाले केवल बचने वाले हैं। तो आपका ये जो मैग्नेट का फेस है, ये जो फेस है मैग्नेट का जिसको आप पोल कहते हो, उसमें अगर आप अगर क्लॉकवाइज होगा तो केवल किनारे किनारे पे ऐसे करंट होगा, होगा ना, और बीच में तो दिस होल पोल फेस इज इक्विवेलेंट टू वन सिंगल करंट। इस मैग्नेट पे आवेश नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है, इट्स नॉट पॉजिटिवली चार्ज, इट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज, लेकिन इसके बाउंड्री के ऊपर देर इज ए करंट, ठीक है। अब जैसे ये फेस है उसी तरह इसका कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन भी सोच सकते हैं। इस फेस के पैरेलल एक क्रॉस सेक्शन सोचिए, उस क्रॉस सेक्शन पर भी एटम्स बने हुए हैं, वो एटम्स उसी तरह से ओरिएंट हुए हैं, ऑल द एटम्स आर ओरिएंटेड इन आइडेंटिकल फैशन, तो उनको भी बनाएंगे तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा, अर्थात उसमें भी बीच वाले सब कैंसिल होंगे एंड देयर विल बी करंट ऑन द सरफेस, ऐसा 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 एक करंट बनेगा। लेट मी डू इट ऑन ए बिगर ब्लॉक। दिस वन एटम कंटेन्स 26 इलेक्ट्रॉन्स, वन आयरन एटम कंटेन्स 26 इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर पेयर्ड। जो पेयर्ड हो गए उनका आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं, बिकॉज दैट्स एनी वे जीरो करेंट एट द एंड ऑफ इट। All these 26 electrons taken together is equivalent to a single loop, right? And that is that loop that I am drawing. And each atom we are drawing on the face, and we find that अंदर वाले सब खत्म होकर के ऐसे 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 केवल करंट जा रहे हैं। Clockwise वहाँ बनाया, यहाँ भी मैं आपके लिए clockwise बनाता हूँ। So it goes like this, the current is going like this, इधर जा रहा है ऐसे, then the current goes like this, then the current goes like this, and then the current goes like this, ठीक है, क्लॉकवाइज बनाइए। और ऐसा ही इसके बगल के क्रॉस सेक्शन पर भी होगा, यहां से क्रॉस सेक्शन सोचो, उस क्रॉस सेक्शन पर जो एटम्स है उनका भी वही ओरिएंटेशन है, वही क्लॉकवाइज 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 सारे हैं उस फेस के ऊपर। ये सॉलिड है, These are all solids. ये सब उसके तुम्हारा जो मैग्नेट है, मैं मैग्नेट को बता रहा हूं, ये ओरियंट हो चुका है, मतलब मैग्नेट बन चुका है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस थिंग, ये जो आपका असली मैग्नेट है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये छोटा है तो इसलिए मैं लकड़ी का बड़ा ले लिया हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ सॉलिड, रियल सॉलिड आयरन मैग्नेट। तो अब यहां पर सोचना क्या हुआ, इस जगह पे करंट ऐसा जाएगा, फिर यहां पे ऐसा उतरेगा, फिर यहां नीचे में ऐसे आएगा, और फिर यहां पे ऐसे आएगा, ये क्लॉकवाइज ऐसा चला। इसी तरह से इसके भी बगल में चलो, ये ऐसे जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। हाँ जी,
हम तो कोई भी क्रॉस सेक्शन उठाओ, जहां तुम क्रॉस सेक्शन लोगे, बिकॉज ऑल द एटम्स इन दिस होल सॉलिड ब्लॉक आर ओरिएंटेड इन द सेम फैशन. तो आप यहां से चाहे जितनी दूर का क्रॉस सेक्शन लो, हर एक में उसके एटम्स ओरिएंटेड है, सारे के सारे पूरे सॉलिड ब्लॉक में ओरिएंटेड है. आते हैं ना, बात करते हैं अभी. फिर यहां पर ये करंट ऐसा हो गया, इधर से ऐसा आ गया, करते करते आप लास्ट में पहुंच जाओगे दूसरे एंड पे. और दूसरे एंड पे पहुंच जाओगे तो कुछ नया मत कर देना कि वो साउथ पोल है तो कुछ नया कर दें. ये दूसरे एंड पर भी पहुंच जाओगे तो भी आप ऐसा ही करंट डालोगे, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसा आएगा और फिर यहां से ऐसे निकलेगा. ठीक बात है. नाउ इफ यू रिमेम्बर, अब आप बाकी सारी चीजें की जरूरत नहीं है, अब ये करंट करंट हो गया, इसके ऊपर ऐसा करंट है, इस ब्लॉक के सरफेस के ऊपर पूरे में करंट है. जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट में कोई बैटरी नहीं लगा रखे है, बट देर इज ए करंट. इसके सरफेस पर ऐसा करंट जा रही है, सब जगह पे ऐसे करंट जा रही है. इट्स ए काइंड ऑफ ए सोलेनॉइड. सोलेनॉइड में ऐसे होता है ना, इधर से ऐसे करंट जाती है, उधर से ऐसे करंट आती है, कंटिन्यूड है. मतलब हर एक एटम अपने अपने में घूम रहा है. रिमेंबर, ये अब वो जहां आपके एरोज अगल बगल हो गए थे उस लाइन को मैंने इरेज किया है. लेकिन कंटिन्यू का मतलब नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे करंट होता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां से चल करके यहां से ऐसे करंट बना रहा है. इलेक्ट्रॉन सारे एटम के अंदर में करंट बना रहे हैं. ईच एटम इज वन करंट. वो उस एटम का इलेक्ट्रॉन उसी के पास है, किसी दूसरे के पास नहीं जा रहा है. ओके. लेकिन बगल बगल के एटम्स जो हैं, वो जो बगल बगल के एटम्स हैं वो कैंसिल कर रहे हैं. ये तो ऐसा हो गया, और इसमें जब चले, इसका भी वही ओरिएंटेशन हुआ है, इस एटम का भी वही ओरिएंटेशन हुआ है जो इसका हुआ है. बट देन देयर इज नो करंट, नो नेट करंट हियर, एंड देयरफॉर यू फील कि वही करंट यहां से यहां चला गया है. ये वाला करंट यहां से यहां घूम गया था, और ये वाला करंट यहां से यहां घूम गया था. ठीक. ये करंट यहां से चल के यहां घूम गया था, और ये वाला करंट यहां से चल के यहां घूम गया था. बट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस इज कि यहां कोई भी करंट नहीं है. और तब आपको ऐसा वाला पिक्चर मिल जाता है, एज इफ कि यहां पे पूरे में एक ही करंट ड्रॉ हो रहा है. ओके. ठीक है. हाँ, कर सकते हो आप उसको. जब आप उल्टे डायरेक्शन में रगड़ोगे तो अभी जो ऐसा ऐसा करंट्स बने हैं वो सब जगह ऐसा ऐसा करंट्स बन जाएंगे. ऐसे लंबे, लंबे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. वो तो हमारे रगड़ने पे, हम कैसे रगड़ते हैं. पोल सब हमें बनाने हैं ना. मटेरियल के शेप से पोल डिसाइड नहीं होता है. पोल डिसाइड होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ओरिएंट करने के लिए कर क्या रहा हूँ. वो एटम्स क्यों ओरिएंट हुए, बिकॉज आई हैव अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड विच क्रिएटेड ए टॉर्क ऑन दोज एटॉमिक करेंट्स. मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में अप्लाई कर रहा हूँ, दैट विल डिसाइड कि वो कैसे ओरिएंट करेंगे. ठीक ना. अच्छा, अब ये जानते हैं क्या आप कि अगर आप का सोलिनॉइड है. अच्छा, क्लास 11th वाले तो नहीं पढ़े होंगे, 12th वाले भी शायद अभी नहीं पढ़े, 10th में पढ़ा होगा आपने. अगर सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, ध्यान है. करेक्ट, करेक्ट. अगर सोलेनॉइड है और ऐसा ऐसा करंट जा रही है तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सब पैरेलल होते हैं, और बाहर में जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं. और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है. गोज लाइक दिस, दीज आर कंटिन्यूअस लाइंस. योर मैग्नेट इज प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज योर मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू दिस सोलेनॉइड. आपके मैग्नेट के सरफेस के ऊपर वैसे ही करंट बह रहे हैं,
इसलिए यहाँ पे आप पिन चिपकाते हो तो पिन नहीं चिपकते हैं, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड हियर इज वेरी स्मॉल, राइट? बट मैग्नेटिक फील्ड हियर इज स्ट्रांग, सबसे स्ट्रांग तो यहाँ है, लेकिन यहाँ आप पिन घुसा नहीं सकते अंदर, मटेरियल के अंदर, मैग्नेट के अंदर तो पिन घुसा के देख सकते नहीं हो ना, तो यहाँ तो आप कर नहीं सकते हो। और बाहर में ये जो किनारे हैं, यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड है, यहाँ पे वीक फील्ड है, यहाँ पर वीक फील्ड है। स्ट्रांग फील्ड होने का रीजन क्या है? इसलिए कि आपका सारा जो ये जो करेंट्स हैं, ये करेंट्स जो है ना, ये सारे करेंट्स जो हैं, दीज करेंट्स, ऑल दीज लूप्स आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, सबका यहाँ ऐड हो रहा है। और यहाँ देखोगे तो इधर वाला करंट दूसरा है और इधर वाला करंट दूसरा है, इसके कारण जो यहाँ फील्ड है, इसके कारण जो यहाँ फील्ड है, इसके इधर वाला, इसके इधर वाला, मेनी ऑफ देम विल अपोज ईच अदर, जबकि यहाँ पे ये सब एक दूसरे में ऐड होंगे। सो यू विल हैव स्ट्रांग फील्ड नियर द एंड्स एंड वीक फील्ड नियर दिस मिडिल पॉइंट्स, ठीक है? आवर मेन पॉइंट इज, आप कह रहे थे बीच में क्यों नहीं वो पिन चिपकते हैं किनारों पे, नॉट कि किनारों पे कोई स्पेशल साउथ पोल नाम की चीज बैठी है और किनारों पे कोई स्पेशल नॉर्थ पोल टाइप की चीज बैठी है, बीच में वो पोल्स नहीं है, नॉट दैट, जो किनारों पर है वही बीच में भी है, ओके? जो आपके किनारे पर जिस तरीके का ये है, आपके किनारों पर जिस तरह के लूप्स बने हैं, बीच में भी उसी तरह के लूप्स बने हैं, बट आउटसाइड द मैग्नेट द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दीज करेंट्स इज वेरी स्मॉल, जबकि यहाँ पे वो सब ऐड होकर के वो अधिक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे चिपक रहा है और यहाँ पे चिपक रहा है और बीच में नहीं चिपक रहा है। सी लाइन्स नेवर अट्रैक्ट इच अदर बिकॉज लाइन्स डू नॉट एग्जिस्ट, लाइन्स आर नॉट फिजिकल एंटिटीज, डोंट कॉल इट इमेजिनरी। आप एक ग्राफ खींचना जानते हो ना, एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल चलता है और आपसे पूछा जाता है कि टाइम वर्सेज एक्स का, एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ खींचो, तो आप एक ग्राफ खींचते हो, दैट्स नॉट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। आपने एक्स इधर डाला, लिखा टी इधर लिखा और आपने कहा ओके दिस इज द पाथ, द पार्टिकल इज गोइंग ऑन द एक्स एक्सिस नॉट ऑन दिस एक्सिस। बट वॉट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फेनोमेना, ओके? दिस लाइन डजेंट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फेनोमेना। योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दैट यू आर ड्रॉइंग, दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फेनोमेना, दैट हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड सो ऑन। Lines do not have any physical existence. Lines do not attract each other. Lines do not repel each other. Currents attract, currents repel. Yes, if there are two loops, two circular loops, and if the currents are going in the same direction, they will attract. Can we do this experiment now? ये देखो, दीपक ने यहाँ पे दो सर्कुलर कॉयल्स बनाए हुए हैं, ये दूसरा सर्कुलर कॉयल है और ये दोनों यहाँ ऊपर हैंग कराए हुए हैं और ये तार लगे हैं, ये तार जो है इस कॉयल से लगे हैं, इधर के तार इस कॉयल से लगे हैं, इन तारों से हम अलग अलग इसमें भी करंट डाल सकते हैं और उसमें भी करंट डाल सकते हैं, तो सेम डायरेक्शन में करंट डालेंगे, सेम मतलब इसमें क्लॉकवाइज तो उसमें भी क्लॉकवाइज, तब देखना क्या होता है, अट्रैक्ट करना चाहिए ना, पैरेलल है भाई। ध्यान से देखिए कॉइल के ऊपर, पैरेलल डाल रहे हो या एंटी पैरेलल, जैसा डल जाए, ये देखो, ये इन्होंने जब वो हाथ पे देखना, यहाँ ये इसमें सटाएंगे तो करंट जाएगा, एक में जा रहा है दूसरे में, जब ये सटाएंगे तो जाएगा, और ये एक पैरेलल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में डाल रहे हैं, देखिए
ये देखो चिपकते हैं, रोक लीजिए एक बार, ये देखो ठीक है। और एंटी पैरेलल अगर करें, एक का पलट दे डायरेक्शन, ये देखो ये एंटी पैरेलल करंट दे रहे, दूर जा रहे ना। तो एंटी पैरेलल करंट्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पैरेलल करंट्स होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो करंट्स विल अट्रैक्ट और रिपेल, नॉट द लाइंस, बिकॉज करंट्स आर हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। नाउ लेट अस सी व्हाई मैग्नेट्स अट्रैक्ट एंड रिपेल। हमने बोला सब पोल एक ही तरह के होते हैं, कोई अलग अलग किस्म के पोल ही नहीं होते। तो फिर कोई खास दो पोल लाते हो तो अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे दो पोल लाते हो तो कभी रिपेल करते हैं, ऐसे क्यों होता है? राइट, सो लेट अस मेक टू मैग्नेट्स और बिल्कुल एक जैसे मैग्नेट बनाएंगे। हैं, कोई करोगे, हेल्प करोगे? एक पकड़ो, इसको होल्ड करो, आ जाओ इधर, आ जाओ सामने सामने, आ जाओ इधर, घूम जाओ, आप इसको ले लो। जैसे इसमें बना है ना एग्जैक्टली वैसे ही आप इसमें बनाइए ड्राइंग। पकड़िए, मैं ब्लू देता हूँ आपको, ब्लू चौक देना। बगल बगल में खड़े हो जाओ, एकदम एक जैसा दोनों मैग्नेट बना। हाँ, एरो लगाना वैसा ही। अच्छा चलो ठीक है, गुड। इसको मैं पूरा भी कर देता हूँ, ये इधर एरो होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा एंड इधर होगा। फिर यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर इधर आएंगे तो इसमें ऐसा जाकर के मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा 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 किनारे में ऐसा, ठीक हो गया। नाउ लेट अस कॉल दिस एज साउथ पोल। नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, नाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि कुछ अलग किस्म का है। ये जो क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, और ये कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, देखो जरा देखो। तो तुम अपना बताओ ना, दूसरे का तुम क्यों बता रहे हो? उधर वाले अपना बताएंगे। तुम्हें ये भी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये भी क्लॉकवाइज दिख रहा है, फिर भी हम इसको एस कह रहे हैं और इसको एन कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे एन लिख देते हैं। ठीक भाई, आप भी जरा लिखो, किधर लिखोगे एस, किधर एन? इधर एस। हाँ, अब ये देखो एकदम एक सा मामला है, ठीक है ना, एक सा इधर से भी, इधर से हर तरफ से एक सा मामला है। ओके, अब देखो हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ रखते हुए, आप थोड़ा इधर आ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। कहाँ है नॉर्थ? ये नॉर्थ है, ये दोनों नॉर्थ है। देखो अब हम इन दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक साथ ला रहे हैं, पास पास ला रहे हैं, ये हमने पास पास लाया। बताओ करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में? अगल बगल वाले जो करंट्स हैं, दोनों मैग्नेट एक से थे ना, दोनों पोल एक से थे ना। नॉर्थ साउथ लिखते समय हमने कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं यूज किया था, और उन दोनों मैग्नेट्स को अब हम नॉर्थ पोल एक साथ ला रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों के जो पास पास वाले करंट्स हैं अपोजिट हैं, तो क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए, इसीलिए नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं।
नॉट दैट कि वो एक टाइप के हैं इसलिए रिपेल करते हैं, ये अपोजिट टाइप के हैं अगर कुछ कहना ही है तो, इसमें करंट इधर जा रहा है तो उसमें करंट उधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है और इसमें करंट उधर जा रहा है, इसका लूप जो है वो आप देख रहे हो ऐसा वाला लूप है और इसका ऐसा वाला लूप है, तो इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू मेक सम डिफरेंस दे आर नॉट ऑफ द सिमिलर काइंड, दे आर ऑफ द अपोजिट काइंड एंड देन दे आर रिपेलिंग. साउथ साउथ को एक साथ ले आओ, कहाँ है साउथ, ये रहा साउथ, ये रहा साउथ, साउथ और साउथ को एक साथ ले आइए, ये दोनों साउथ हैं, इनको हम एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के पास ला रहे हैं, एंड द करेंट्स आर देयर फॉर दे नॉर्थ और साउथ को लाते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इनको बगल बगल में लाते हैं, ये देखो इनको बगल बगल में ले आए, पैरेलल हो गए करेंट्स, एंड देयर फॉर पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट, अभी देखा हम लोगों ने पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये नॉर्थ और साउथ जिनको कहा जाता है वो अट्रैक्ट करते हैं. सो द अट्रैक्शन द रिपल्शन दीज थिंग्स आर नॉट बिकॉज डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ द पोल्स, राइट? यस, दे आर डिफरेंट ओनली बिकॉज आपने मैग्नेट को घुमा फिरा करके ऐसा कर दिया है कि करंट्स जो पास पास वाले हैं वो कभी सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, कभी अपोजिट डायरेक्शन. इंट्रेंसिकली उसमें कोई फर्क नहीं है, इंट्रेंसिकली कोई फर्क नहीं है, हम ऐसे रखते हैं और ऐसे रखते हैं तो मटीरियल थोड़ा ही बदल गया, मटीरियल के कैरेक्टर थोड़े ही बदल गए, लेकिन ऐसा करने से हमारे जो दो मैग्नेट्स के करेंट्स हैं वो कभी पैरेलल हो जाते हैं और कभी एंटी पैरेलल हो जाते हैं, दैट इज व्हाई दे रिपेल एंड अट्रैक्ट. ऑलराइट, हाँ बताओ. मैग्नेट एग्जिस्ट विद नो पोल और मोर देन टू पोल्स, पोल होती नहीं है, देयर आर नो पोल्स, देयर आर नो पोल्स, देयर आर ओनली करंट्स, है ही कहां पोल, पोल कहां है, पुल कहां है, करेंट्स हैं केवल, कुछ नहीं है, केवल करेंट्स हैं, करेंट्स आर अट्रैक्टिंग, करेंट्स आर रिपेलिंग, करेंट्स आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये देखो ये करंट जैसे सोलेनोइड आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये जो मेरा जब हमने उसको ओरिएंट कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, तो अब उसके सरफेस पे करेंट्स आ गए, एंड इट इज द करेंट्स विच आर अट्रैक्टिंग द पिन. वो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड के कारण से जो लोहे का पिन था उसके अंदर में थोड़ा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो गया है, उसमें भी थोड़ा ओरिएंटेशन पैदा हो गया है, उस ओरिएंटेशन के कारण वंस अगेन पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करता है, तो वो पिन को अट्रैक्ट करता है, उसके डायरेक्शन पे. अगर दो दो करंट दो लूप्स हैं, दो करंट्स हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट हो पैरेलल तो अट्रैक्ट करेंगे, एंटी पैरेलल तो रिपेल करेंगे डायरेक्शन पे. हाँ, दो करंट्स अगर पैरेलल चल रहे होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, एंटी पैरेलल करंट्स चल रहे होंगे तो रिपेल करेंगे. ऑलराइट, सो देयर आर नो पोल्स, पहली बात, मैग्नेट में पोल नहीं होते हैं, हाँ, ना नॉर्थ पोल होता है ना साउथ पोल होता है, पोल नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो सबके सब आयरन के एटम्स हैं, सबके सब जो हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के समूह हैं, सबकी जो रचना है एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो सबका आइडेंटिकल है. जब आप उसको मैग्नेट बनाते हो तो कोई नया पोल वहाँ पर पोल नाम की चीज़ अलग अलग किस्म की चीज़ नहीं डालते हो और किनारों से थोड़ा अंदर हटकर कुछ नहीं होता भैया, जैसा किनारों पर है वैसा ही हर क्रॉस सेक्शन पर आइडेंटिकल है, इज नथिंग लाइक कि किनारों से थोड़ा अंदर घुस के कोई खास चीज है जहां से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल ओरिएंटेशन ऑफ दीज एटम्स ताकि उनका जो एक सिंगल रिजल्टेंट करंट हम बोलें वो करंट का लूप सबका एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, और तब जहां एंड्स आते हैं उसमें से हम बताने के लिए कि हाँ ये दो एंड्स हैं, हम ए बी कह सकते थे, एक्स वाई कह सकते थे, हम एन एस कह देते हैं. द कन्वेंशन इज कि आप अगर देख रहे हो मैग्नेट को और आपको वो करंट लूप अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो उस एंड पर आप
नॉर्थ लिखना, और आप देख रहे हो आपको अगर वो क्लॉकवाइज दिखाई दे तो उस एंड पे आप साउथ लिखना, एस लिखना. सो दैट इज द ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. ऑल द थिंग्स आर आइडेंटिकल एट दिस फेस, 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 सभी जगह पे. ऑल योर अट्रैक्शन रिपल्शन जो कुछ भी हैं, किनारों पर स्ट्रॉन्ग, बीच में कमजोर, एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम द करेंट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करेंट्स. जो आप बाय सेवर्ट लॉ या जो भी पढ़ते हो वहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं. करेक्ट, करेक्ट, दैट्स राइट, दैट इज राइट. इंटू पोल स्ट्रेंथ डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं? एम, सो व्हाट इज दैट एम? हाँ, वो पोल स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हो? पोल स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं आप? नंबर ऑफ करेंट लूप्स. Number of field lines is again a really stupid concept. Number of field lines. Field lines is my construction. Wherever I want, I can draw a field line. जिस point से शुरू करो वहीं से एक line खींच सकते ना. तो आप कहते हो इतने बड़े area से, इतने बड़े area में there are 2000 points, 20,000 points, 200,000 points. Infinite number of points. From each point I can draw a field line. What do you mean by how many lines are crossing this this area? Number of lines. Sir, but whenever we advance from this pole to the field of that magnet, then the area will be the same and the number will be decreased along because it is traveling. Correct. In an arc. Correct. So if you have already drawn lines, it's up to you. If you have already drawn lines, और आपने line draw करते समय में जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ आपने uniformly space करके निकाला है, मेरी drawing है ना, देखो they do not exist. मैं जिस point से चाहूँ उस point से line खींच सकता हूँ और जहाँ से ना चाहूँ वहाँ से नहीं खींच सकता हूँ. ठीक है, तो हमने अगर वैसा किया है तब yes, अब जैसे जैसे दूर जा रहे हो एक प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने lines हैं वो घटेगा, लेकिन वो 10 होंगे कि 20 होंगे कि 2000 होंगे इसके बारे में तो आप किसी को चुनौती नहीं दे सकते हो भाई. आप कह रहे हो, आप कह रहे हो 10 लाइन जा रहे हैं, हमने और 4 लाइन दूसरे बगल के पॉइंट से शुरू कर दी, 10 के 20 कर दूंगा मैं, 40 कर दूंगा मैं, वो तो मुझे खींचना है. अगर तुमने लाइन्स फिक्स कर दी हैं और तब उसको स्टडी कर रहे हो कि व्हाट हैपेंस टू द नंबर डेंसिटी, यस एज यू आर गोइंग अवे दैट नंबर डेंसिटी इज डिक्रीजिंग. लेकिन ये सोचो कि मैंने एक लाइन यहाँ से शुरू करी और ये ऐसे चली गई भाई हमने खींच ली, फिर हमने यहाँ से शुरू की वो ऐसे चली गई हमने खींच ली, फिर हमने यहाँ से शुरू की वो ऐसी चली गई खींच ली, फिर हमने यहाँ से किया हम थक गए, अब नहीं खींचेंगे, अब नहीं खींचेंगे. तो यहाँ तो बहुत सारी डेंसिटी है और यहाँ डेंसिटी ही नहीं है, तो यहाँ फील्ड नहीं है क्या? यहाँ तो फील्ड है. So any definition in terms of absolute number of lines is nonsense. And relative number of lines में you have to be careful कि जब आप start कर रहे हो तो आप equidistant हर एक छोटे छोटे area से बराबर बराबर दूरी के ऊपर और आप line शुरू करना, तभी वो relative वाला भी बात कर सकते हो. Sir, then in an experiment of iron filling center magnet, it align itself in some shape. Yeah. Yes, sir. Then we can clearly see that there is. There are some lines. Right. ठीक है. उस gap में जरा एक filing और डाल देना धीरे से.
वो जो गैप दिखता है ना वहाँ पे धीरे से कुछ और फाइलिंग चिमटी से उठा उठा के डाल देना, वो भी सज जाएंगे. वहाँ पे फील्ड नहीं है क्या? वहाँ पे फील्ड नहीं है क्या? वो तो बहुत सारा चीज है. तुम्हारा शीशा है, उसका फ्रिक्शन है, आयरन फाइलिंग का वेट है, तुम टैप कर रहे हो, लॉट ऑफ मैकेनिक्स इज इन्वॉल्व्ड. तो कौन सा सरक गया, कौन सा नहीं सरका. लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मेरा ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के ऊपर हमने ये शीशा रख दिया तो यहाँ पे तो फील्ड है और बगल में फील्ड नहीं है, फिर से फील्ड आ गया, फिर से फील्ड नहीं है. देर आर गैप्स, लाइन्स हैं और बीच में गैप्स हैं. तो ऐसा फील्ड बनता है क्या इसका? फील्ड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. ओके, जहां से आपको मर्जी हो आप लाइन डालो. लाइन्स आर योर कंस्ट्रक्शंस. और वो जो आयरन फाइलिंग के बाद आप कह रहे हो कि आपको दिखता है कि बीच बीच में गैप्स हैं, यस जरूर दिखता है, लेकिन आप हल्का सा लेके बुरा तक छींट दो वहां पे ऐसे ऐसे करके और आप देखो कि यस वो भी ओरिएंट हो जाएंगे. जहां नहीं लाइन है वहां भी लाइन नजर आने लग जाएगी. ओके, व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? जब पोल ही नहीं है तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया? तो अब देखो, अब थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री है. हिस्ट्री ऐसी है, इफ यू हैव ए बार मैग्नेट, इफ यू हैव ए बार मैग्नेट, तो आप अब जान रहे हो कि कोई पोल वोल का चक्कर नहीं है. एवरीवेयर यू हैव करेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस करेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर में तो स्ट्रेट होंगी, लगभग स्ट्रेट होंगी, बिकॉज दिस इज नॉट इन्फिनिट सोलिनॉइड, इसलिए लगभग मैं बोल रहा हूं. और जब बाहर निकलेंगे तो स्प्रेड होंगे. सो द डायरेक्शंस आर लाइक दिस. ठीक, यहां से चलोगे तो ऐसा डायरेक्शन आएगा, यहां से चलोगे तो ऐसा डायरेक्शन आएगा. द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हियर इज इन दिस डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हियर इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. नाउ व्हाट पीपल सॉ कि अच्छा दिस इज डाइवर्जिंग सिनेरियो, ये कुछ डाइवर्ज कर रहा है, तो पीछे बढ़ाओ तो कहीं तो मिल जाएगा, राइट? जब डाइवर्ज कर रहा है और पीछे बढ़ाओगे तो कहीं तो मिल जाएगा ये. तो उनको लगा कि अच्छा इट इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दे कॉल्ड इट पोल एंड देयरफॉर दे से कि वो सरफेस से थोड़ा अंदर घुस के होगा, क्योंकि पीछे बढ़ाओगे तब तो मिलेगा ना, तो पीछे बढ़ाओगे तो अंदर घुसोगे थोड़ा. तो दैट इज वाई दे सेड द पोल इज स्लाइटली इनसाइड द सरफेस. कुछ नहीं है इनसाइड द सरफेस, जो किनारे पर है वही उसके बगल में है, वही उसके बगल में है, वही उसके बगल में है. बट दिस डाइवर्जिंग लाइन्स, इफ यू सी इट एज डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट विच इट इज नॉट, राइट? बट इफ यू कंसिडर दैट दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट, देन यस उसको फिर पीछे बढ़ाओगे, थोड़ा पीछे हट करके वो पॉइंट आपको लोकेट होगा. There's nothing there. उस पॉइंट पर कुछ नहीं है ना, कोई स्पेशल चीज नहीं है वहां पर जहां से मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज कर रहा हो. एब्सोल्युटली नथिंग. सो सिमिलरली ऑन दिस साइड ऑल्सो द फील्ड डायरेक्शन आर लाइक दिस. ऐसा ऐसा यहां भी फील्ड डायरेक्शन है और उसको भी पीछे बढ़ाओगे तो कहीं पर मिलेगा. दे कॉल वन एन एंड वन एस और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ये लोग 2L बोलते हैं. मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट. नाउ दे नो दैट ओके दिस इज 2L. अब उनको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है. नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इज बिकॉज ऑफ द करेंट्स. वंस अगेन इट्स बिकॉज ऑफ द करेंट्स. एवरी सर्कुलर लूप हैज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पता है क्या आपको? अच्छा हाँ, हर एक जो सर्कुलर लूप होता है या किसी भी शक्ल का लूप होता है, करेंट लूप, क्लोज करेंट लूप, that corresponds to a dipole moment and that dipole moment is given by the current in ampere multiplied by the area of that loop in meter square. usko aap multiply kar dijiye, right? wo jo loop hai us loop ka jo area hai, if it is a circular loop to wo jo disk ban gaya us loop se pi r square that area. agar rectangular hai aapka to just length into width ye jo area ban gaya. Okay, the area which is bounded by this loop, current loop, that area, current into area is the magnetic moment. तो यहाँ जितने सारे current आपको दिख रहे हैं, not दिख रहे हैं, जो हैं magnet के surface पे जितने सारे currents हैं, वो सभी currents जो हैं वो magnetic
डायपोल मोमेंट है. इवन एटम्स को भी अलग अलग देखोगे तो वो भी वही है, जोड़ोगे तो वही एरिया बड़ा वाला एरिया बन जाएगा. एटम्स को भी छोटे छोटे एरिया जोड़ोगे तो वही आएगा. एवरी एटम इज ए मैग्नेटिक मोमेंट, हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज इट इज ए करेंट लूप. उन सबको ऐड कर दो, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट इज समथिंग विच एग्जिस्ट, जो है. ऑलराइट, अब इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट पता था, ये पता था, ये ट्यूबवेल अपना बना बना के रख लिया. तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग जैसे करते हैं क्यू इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, वही उन्होंने इस्तेमाल करके एम को डिफाइन कर दिया. दिस एम इज डिफाइंड फ्रॉम हियर. ये पोल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड फ्रॉम द एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एंड देन डिवाइडेड बाय दिस मैग्नेटिक लेंथ. और मैग्नेटिक लेंथ उनकी अपना इमेजिनेशन है, 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये उनकी अपनी इमेजिनेशन है. ऐसा करके पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं. यू डोंट नीड, देर इज नो पोल एंड देयरफॉर इज देर इज नो पोल स्ट्रेंथ. देर आर नॉट पॉइंट्स इनसाइड विच आर सेंडिंग यू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर देर इज नो 2L. तो न स्मॉल m है न 2L है, लेकिन कैपिटल M है. राइट, दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एग्जिस्ट. आपने अपनी तरफ से ये M और 2L डिफाइन किए हुए हैं. बट आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. वॉट आई एम अगेंस्ट इट्स यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा इमोशनल अटैचमेंट विथ दिस एम एंड दिस 2L. आई एम अगेंस्ट दैट. दे डू नॉट एग्जिस्ट. There is no small m. There are no poles. There are no pole strengths. There are no points inside the surface from where magnetic field is coming out. These are all the small m, this pole strength. These are on our own creations, imaginations. If you understand that, I'm not against using them. ओके, आप सारा करेंट्स लेकर के उसके कारण से और मैग्नेटिक फील्ड लिखो और ये करो वो करो, उसकी जगह अगर आप स्मॉल एम 2L पोल स्ट्रेंथ कूलम्स लॉ लगा दिया हमने, जैसे वहाँ कूलम्स लॉ है ना क्यू के लिए, क्यू बाई 4π ε0 r² इज द फील्ड, या हमने कहा कि वो म्यू नॉट बाई 4π एंड एम एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर या एम बाई आर स्क्वायर इज द मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेज वो लगा दिया हमने, तो आपको वही चीज़ मिलेगी. आपको सेम एक्सप्रेशंस मिलेंगे, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे. व्हाई? बिकॉज यू आर यूजिंग द सेम कैपिटल एम. चूंकि आप सेम कैपिटल एम यूज कर रहे हो, आपने अपना स्मॉल एम अपना स्मॉल एल ऐसा डिफाइन किया है कि वो एम इंटू 2L वही है जो एक्चुअल कैपिटल एम है. So by using all this poles and pole strength and magnetic lengths and using Coulomb's law for magnetic fields, you can get those results which you should have gone through those current loops or Baird-Sewart law or ye wala or wo wala karke jo kuch laate hai, wahi aapko mila hota. Okay, now if this is simpler mathematics, go for it. I'm not against. राइट, अगर ये कूलम्स लॉ करना आपके लिए सिंपल है तो आप करिए कूलम्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड का. लेकिन आप याद रखिए, दे डू नॉट एग्जिस्ट. दे आर योर मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस टू सिंप्लीफाई द एल्जेब्रा. लेकिन आप उसके साथ में अगर इमोशनली अटैच हो रहे हो, अरे मैग्नेट है तो दो पोल तो होना ही पड़ेगा और दोनों को अलग अलग कैरेक्टर का होना पड़ेगा, कोई रिपेल करता है कोई अट्रैक्ट करता है, एक ही कैरेक्टर का कैसे हो सकता है. और देखो उसको जब पोल को होना है तो इतना बड़ा चौड़े में थोड़े फैल करके पोल रहेगा, पोल तो एक पॉइंट के ऊपर रहेगा. अगर आप उसके फिजिकल रियलिटी फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ अपने को अटैच कर रहे हो, आई एम अगेंस्ट दैट. दे डू नॉट एग्जिस्ट. ऑल दैट एग्जिस्ट आर एटॉमिक करंट्स. ऑल दैट एग्जिस्ट इज एन इक्विवेलेंट करंट ऑन द सर्फेस ऑफ द मैग्नेट. Right, and it's all because of the magnetic field of these currents that all these magnetic phenomena are seen.
and there's absolutely no difference between so-called South Pole and North Pole. So that is the message. All right? Yes, sir. Agreed? Yes, sir. Chalo, theek hai. Khul gayi pole? Yes, sir. Good, good. Sir.